हम लेडीज प्लाजो की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 40 इंच, हिप 36 इंच, वेस्ट 30 इंच, फुल लेंथ 40 इंच, हिप 36 इंच, कमर 30 इंच। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। लंबाई के लिए जो फॉर्मेट यूज करेंगे वो इस प्रकार है, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस बॉटम टर्निंग। बॉटम हम जितनी भी टर्न करना चाहे, मोड़ना चाहे, एक इंच, डेढ़ इंच, दो इंच, अपनी इच्छा अनुसार जितना भी वही हम इसमें ऐड करेंगे। फुल लेंथ हमारी 40 इंच है, सीम अलाउंस हम इसमें आधा इंच रखेंगे और टर्निंग हम इसमें डेढ़ इंच की देंगे। टोटल हो गया हमारा 42 इंच लेंथ। ये लेंथ जब हम कटिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। जब इस फॉर्मेट के अनुसार हम कटिंग करेंगे तो हमारी लंबाई परफेक्ट तैयार होगी जितनी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे। प्लाजो में हमेशा ध्यान रखना है, जो हम लेंथ का निशान लगाते हैं वो हमेशा सेंटर लाइन लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारा जो कपड़ा है, मान लो कपड़े पे हम कटिंग करने जा रहे हैं, तो कपड़े का जो अर्ज है, अर्ज का सेंटर लेंगे और एक रेखा लेंगे। अब यहाँ ड्राफ्टिंग करते हम अपने ड्राफ्टिंग का जो भी जिस भी चीज पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं उसका सेंटर लेके ये रेखा लगाएंगे। ये लेने के बाद ये यहां से यहां तक हमारी फुल लेंथ का निशान हमने लगाया। एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो 42 इंच है, अगर हम इसमें बेल्ट लगाना चाहते हैं तो बेल्ट को माइनस करेंगे। 42 इंच हमें मिला है फुल लेंथ, तो फुल लेंथ हमें जो मिली है उसमें से हम माइनस करेंगे बेल्ट। 42 हमें मिनी लेंथ, सीम अलाउंस और टर्निंग ऐड करने के बाद 42 में से बेल्ट माइनस करेंगे। बेल्ट डिपेंड करती है आप एक इंच की रख रहे हैं, डेढ़ की रख रहे हैं, दो की रख रहे हैं। तो 42 इंच में हम डेढ़ इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। 42 में जब डेढ़ इंच माइनस किया बेल्ट के लिए तो 14½ साढ़े 40 इंच हमारे टोटल लेंथ निकल के आती है, जो हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे, साढ़े 40 इंच निकल के आए। उसके बाद हिप हमारा है 36, हिप डिवाइड बाय 4+1 इंच। हिप हमारा है 36 को 4 से डिवाइड करने पे 9 इंच प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 10 इंच। एक फॉर्मेट तो हमारा ये, दूसरा है हमारा वेस्ट है 30, तो वेस्ट डिवाइड बाय 4+2.5 यानी 2.5 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करने पर 7.5 इंच हुआ, 7.5 इंच में प्लस हमने 2.5 इंच किया तो 10 इंच। ये कम ज्यादा भी अगर हमारी आती है तो उसी हिसाब से हम अपने यहाँ पे लगाएंगे निशान। ये लगाने के लिए ये हमारे 10 इंच जो मिला हमें, ये डिवाइड बाय 4+1 इंच करके 10 इंच है। 10 इंच का ये जो हमारी सेंटर लाइन है, इस लाइन से 5 इंच इधर 5 इंच इधर निशान लगाए। ये हमने यहाँ पे 5 इंच इधर 5 इंच इधर करके ये हमने एक रेखा ली 10 इंच की। उसके बाद हम क्रोच लाइन का निशान लगाएंगे। क्रोच लाइन का निशान लगाने के लिए जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं, हिप डिवाइड बाय 3, हिप हमारा 36 है, 36 को 3 से डिवाइड किया तो 12 इंच, 36 को 3 से भाग करने पे 12 इंच आया। यहां से हम 12 इंच नीचे निशान लगाएंगे। 12 इंच नीचे निशान लगाने से पहले हम बेल्ट जो हमने माइनस किया है वो इसमें से माइनस करके ही क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। 12 आया, 12 में डेढ़ इंच माइनस किया आपने बेल्ट के लिए, तो
हमारा 10.5 इंच। यहां से आप नीचे आएंगे, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये निशान लगाया। इसी 10.5 इंच पे जो निशान लगाया, जैसे 5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाया था, 5 इंच इधर 5 इंच इधर, हम यहाँ पे भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये 5 इंच पे, ये 5 इंच पे। यहाँ पे मैं समझाने के लिए डॉट डाल देती हूँ ताकि समझ आएगी, हमने यहाँ पे 5 इंच लिया है, टोटल हमने जो 10 इंच लिया है सेंटर लाइन से, 5 इंच इधर लिया है और 5 इंच ही हमने इधर लिया है, इस प्रकार। ये लेके हम क्रोच लाइन को इस हिप लाइन से मिलाएंगे, ये वाली भी हम इससे मिला देंगे, ये करने के बाद हिप लाइन, ये वाली जो हिप लाइन है आगे जाएंगे, आगे कितना जाएंगे, हिप डिवाइड बाय 12 - 1/2 इंच। हिप हमारा 36 है, 36 को 12 से डिवाइड करने पर 3 इंच, 3 इंच में 1/2 इंच माइनस किया तो 2.5 इंच। इस लाइन से 2.5 इंच आगे जाएंगे और एक निशान लगाएंगे, 2.5 इंच आगे जाना है। कितनी भी हिप हो, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपका परफेक्ट प्लाजो बनकर तैयार होगा। यहां पर हम 2.5 इंच आगे आए, 2.5 इंच आगे आने के बाद इसकी गोलाई कर देंगे, यहां से आप चाहे तो यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर आएंगे, 1.5 इंच ऊपर आके फिर सेव करेंगे, आप फ्री हैंड करते हो तो फ्री हैंड भी आप कर सकते हैं, इस प्रकार। उसके बाद हम बॉटम लेंगे, बॉटम का मेजरमेंट हमारे पास यहां पर नहीं है क्योंकि ये प्लाजो है, प्लाजो में बॉटम आप जितने भी आप खुले रखना चाहे रख सकते हैं, विड्थ ऑफ क्लोथ जितना आपके कपड़े का आर्ज है उतना रखना चाहते हैं, उससे कम रखना चाहते हैं, जितनी भी खुली आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप खुले ले सकते हैं। यहाँ पे हम 10 इंच सेंटर लाइन से इधर और 10 इंच सेंटर लाइन से इधर हम निशान लगा लेते हैं, जितना भी आप खुला रखना चाहे, आप 7 इंच यानी कि 14 इंच टोटल रखना चाहते हैं और ज्यादा जितना भी खुला रखना चाहे उतना ही आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। यहां से यहां तक हमने ये निशान लगा दिया। ये लगाने के बाद ये जो क्रोच लाइन है इसको बॉटम से मिलाएंगे हम स्टेट। फिटिंग उक्का करना होता तो हमें यहाँ पे सेप देनी होती, अब ये हमारा खुला है तो ये जितना आप खुला करोगे उतनी ही इसकी स्ट्रेटनेस बढ़ती चली जाएगी। इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ये मिलाने के बाद जो बैक पोर्शन है उसको भी हम बॉटम से मिलाएंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहां से हम नहीं मिलाएंगे हिप लाइन से, हम वेस्ट लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि यहां से मिलाने पे इसकी जो लुक है वो नहीं आती है, इसलिए हम इसको यहां से उठाते हैं। जितना भी आपका बॉटम है, बॉटम लाइन को हिप लाइन से वेस्ट लाइन से इस प्रकार मिलाएंगे। इस प्रकार ये हमारी फ्रंट भाग की तरफ हुई। अब बैक भाग के लिए क्या करेंगे, बैक भाग के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारी वेस्ट लाइन है इससे ऊपर जाएंगे। इससे ऊपर जाने के लिए जो फॉर्मेट हम यूज करेंगे वो फॉर्मेट हम यूज करेंगे बैक के लिए, यहां ऊपर जाना है और आगे आना है। ऊपर जाने के लिए जो फॉर्मेट यूज होगा, हिप डिवाइड बाय 24, हिप हमारी 36 है, 36 को 24 से डिवाइड करने पर 1.5 यानी 1.5 इंच, 36 को 24 से भाग करने पर 1.5 इंच आया, 1.5 इंच पे हमने यहाँ ऊपर निशान लगाया,
और डेढ़ इंच पर ही हमने यहाँ पर आगे निशान लगाया, किस लाइन से आगे यहाँ पे। ये जो क्रॉस लाइन है, इस क्रॉस लाइन को हम यहाँ पे सीधा मिला देंगे और इसको वेस्ट लाइन को लेंथ लाइन से मिलाएंगे। इस प्रकार तिरछा, ये जो क्रॉच लाइन है हमारी हिप लाइन से, इस वेस्ट लाइन से हम सीधा मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद बैक के लिए हम आगे जाएंगे। बैक के लिए जब आगे जाएंगे तो हम कितना जाएंगे आगे, हिप डिवाइड बाय 16। जितनी भी आपकी हिप है उसको 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड किया, हमारी 36 है, 36 को 16 से डिवाइड किया तो हमारा आया 2.25, यानी 2.25 इंच। हम यहां से आगे जाएंगे 2.25 इंच, आगे जाके इसकी सेव करेंगे। ये जो लाइन है इस लाइन से सेव कर देंगे। नीचे बॉटम पे हम 1 इंच आगे आएंगे, 1 इंच आगे आके इस रेखा को इस रेखा से मिला देंगे। ये 1 इंच आ गया है, ये 2.25 इंच आ गया है और इस रेखा को जिस प्रकार हमने फ्रंट लाइन से बॉटम को टच किया था, मिलाया था, उसी प्रकार हम इस बैक को भी बॉटम से इस प्रकार मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद जो बैक है, बैक का सेम रहेगा, जो फ्रंट में आपने बैक में लिया उतना ही लेंगे, आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ फ्रंट में ही हम आगे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम 1 इंच ऊपर आएंगे, इधर 1 इंच ही आएंगे हम यहाँ पर। आपको जितनी गोलाई देनी है उतनी ही आप ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा के गोलाई करेंगे। ये बैक पे भी हमने 1 इंच पे लगाया, फ्रंट पे भी, और इसकी गोलाई करेंगे। गोलाई करने के लिए धीरे धीरे जो भी आप सेव देना चाहते हैं गोलाई, कम ज्यादा अपने हिसाब से ये गोलाई करेंगे। यहां से आप ज्यादा भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो। ये लेके और इसकी गोलाई कर देते हैं। गोलाई क्यों करते हैं, ताकि ये नीचे गिरे ना। गोलाई करने से शेप जो बॉटम की है वो अच्छी आती है। तो ये अब हम इस पे लिखेंगे कि कितना कितना लिया। ये हमारी फुल लेंथ है, फुल लेंथ जो भी है हमारी फुल लेंथ, यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया, यहाँ पे 1.5 इंच लिया, यहाँ पे 2.5 इंच आगे आए थे, यहाँ पे 2.25 इंच आगे आए थे, ये 1 इंच आगे आए थे। गोलाई करने के लिए भी हमने यहाँ पे 1 इंच 1 इंच की गोलाई की है। ये 5-5 इंच पे हमने ये लिया था यहाँ पे। ये जब यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे तो वेस्ट की फिटिंग के लिए उतनी ही हम जब लास्टिंग डालेंगे तो हम वेस्ट की अकॉर्डिंग ही लास्टिंग डालेंगे तो ये सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेल्ट की जो लेंथ माइनस की थी 1.5 इंच की थी, तो यहाँ पे हम बेल्ट लेंगे 1.5 इंच और वेस्ट है हमारी 30 इंच, तो वेस्ट का हाफ लेंगे। वेस्ट का हाफ हमारा 15 इंच हुआ। वेस्ट की बेल्ट के लिए वेस्ट का हाफ प्लस 1 इंच होगा। वेस्ट का हाफ हमारा हुआ 15 इंच, 15 इंच में 1 इंच जमा किया तो 16 इंच। हम इसकी चौड़ाई रखेंगे बेल्ट की, और 1.5 इंच हमारी बेल्ट की लंबाई हमने माइनस की थी तो हमने 1.5 इंच की इसमें बेल्ट में रखा। विड्थ है बेल्ट की और 1.5 इंच बेल्ट की लेंथ है। ये हमने लिए वेस्ट
का हाफ किया प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 16 इंच हमारी जो बैक की चौड़ाई है वो होगी और लेंथ हमारी है 1.5 इंच क्योंकि हमने 1.5 इंच माइनस किया। अगर आप 2 इंच माइनस करोगे तो बेल्ट 2 इंच रखोगे। ये हमारी लेडीज प्लाजो की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हुई।